हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जी माँ साहब, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप इस वक्त इतनी रात को? जी मैं तो अपने इतनी रात को भी आप जाग रहे होते हैं? नहीं, मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग अपने चैनल पर कर रहा था। आपको भी इनवाइट करूंगा, बल्कि आपको मैं गुजारिश करूंगा, आप प्लीज मेरे चैनल पर आए और इधर हमारे जो मेरे शेख साहब हैं, अली भाई हाफिज़ाहुल्लाह ताला, वो अभी लाइव थे और उनसे बातें हो रही थी, उनके स्टूडेंट्स से बातें हो रही थी। तो आप आए, गालिब कुमाल आए, हारिस आए। हारिस साहब तो फोन ही नहीं उठाते, आप तो पता नहीं आए। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आपने कहा था आप तारिक मौलाना जो इंजीनियर है उनके साथ आप डिबेट करवाएंगे, आपने कुछ बात की उसके बारे में? जी नहीं, मेरी उनसे इस भी टॉपिक पे बात नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद काफी बिजी था और वो भी बिजी थे, क्योंकि कोई मामलात कुछ चाह रहे थे ऐसे पाकिस्तान में उनके बारे में। तो एनीवे आप प्लीज से क्वेश्चन था आपसे और गालिब कुमाल से, क्योंकि आप लोग एथियस्ट हैं कि ये जो आपने आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, गालिब से आप फिर खुद ही उसके उसके बिहाफ में मैं नहीं जवाब दे सकती। हाँ जी, गालिब भी ऑनलाइन है, गालिब भी अभी ऑनलाइन है, तो मैंने ऑनलाइन है, आप वहाँ जाकर उससे उसका सवाल पूछ सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर मेरे से मेरे उस पे जात पे आप पूछ सकते हैं, मगर मैं नहीं, गालिब से जवाब नहीं दे सकती। मैं मेरी बहन मैं से बात कर रहा हूँ कि आप एथियस्ट हैं और गालिब भी हारिस भी आप लोग एथियस्ट हैं ना, मैं ये बात की, मैंने ये नहीं कहा क्योंकि उनके बारे में मैंने क्वेश्चन करना है आपसे, मैंने ये क्वेश्चंस वही था जो बात वहां जहां से टूटी थी कि आप ने इस्लाम को लेफ्ट किया, तो ये आपने आप अंदर से तो आपको दुख होता होगा कि आप ने ये काम क्यों किया। वैसे मेरी पॉइंट मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा प्लीज, तो मुझे लगता है कि आपको दुख होता होगा कि यार मैंने गलत किया, क्योंकि आपको अपना कंट्री अपना जो है रहन सहन आपको याद तो आते होंगे यकीनन, मगर आपने इतना बड़ा स्टेप मेरी बहन क्यों उठा लिया? मुझे भी अफसोस होता है कि आपने ऐसे ये काम किए, इसकी क्या वजह है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने तो अपनी मेरी माँ ने छोड़ा, मेरे लिए मेरी माँ खुदा है, मैंने उसके रास्ते पे और मुझे कोई एक टके का भी, मुझको एक चवन्नी का भी दुख नहीं है कि मैंने इस चीज को छोड़ दिया, जो कि एक औरत को एक गुलाम बना के रखती है, एक औरत के यानी कोई आजादी नहीं है मेरे लिए, कोई भी अच्छा खुशी वाला काम है उसको मना कर दिया है, सिर्फ मर्द की अय्याशियां हैं और औरत को दबाते रहो, और औरत एक अय्याशी की चीज बना के रख दी है मर्द के लिए, तो मैं ऐसी गंदी चीज से निकल गई हूँ, मैं तो शुक्र मनाती हूँ एवरी डे दैट आई केम आउट ऑफ इट। जी नहीं, ये तो आपने गलत बात, अल्लाह माफ करे, याशी की कैसे आपने बात कर दी, आपने इतनी बड़ी मेरी आप देखे ना, मैंने आपकी तो वजह से बात सुनी है ना, मर्द हलाला करवाता है औरत का, मर्द औरत को पीट सकता है। नहीं, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, मेरी काइंडली बात सुने ना, मेरी गुजारिश ये है कि आपको एक्चुअली गलत मौलवियों ने बताई है बातें, आप हमसे इस्लाम सीखते पहले और अभी भी सीख सकते हैं, ये आपके अंदर कन्फ्यूजन इन लोगों ने पैदा की है। इस्लाम में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत यानी कि हार्मनी है, ये आप किस तरफ आप उधर ले गए? आपने इस्लाम को लीव कर दिया, आपने इस्लाम को लीव कर दिया। एक सेकेंड, आप सुने, आप बात करते हैं, आप बात घुमा देते हैं, मुझे बताइए ना फ्लेक्सीबिलिटी पे आ जाइए, आप कौन सी फ्लेक्सीबिलिटी है औरत के लिए?
फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल है इस्लाम में। मैं आपको आप बताता हूँ कि एग्जाम्पल दे दी। मैं एग्जाम्पल अर्ज करता हूँ। मैंने तो अपने जे मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, जाहिर है मैं पाकिस्तान में हूँ अल्लाह के फजल से। मुझे तो जितनी भी फीमेल्स मिलती मेरी जिंदगी में आई हैं, अब तो खैर मैं इस्लाम की तरफ आ गया हूँ, या मेरी ये फ्रेंडशिप होती थी फीमेल से, तो कहती थी कि इस्लाम बल्कि कुछ फीमेल्स कहती थी कि यार ये है मामलात हैं, हमें आजादी नहीं है। तो खुद ही वो कहती थी कि इस्लाम ही बेस्ट रिलीजन है। आपकी एज वाइज होंगी, आपसे बड़ी होंगी या आपसे छोटी होंगी मुझे नहीं पता इस बात का, तो अम्मा उनको जी फिर बड़ी आप ग्रेवी फ्लैक्स। बना रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक एग्जांपल दें कि इस्लाम ने औरत को कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दी है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर औरतें ईरान में हिजाब जला रही हैं और उसके ऊपर नहीं, इस्लाम के रिजीम के वो ऊपर तो भी ऐसे इल्जाम नहीं है। है ना। ईरान में आप ईरान की बात करती हैं, आप इधर जो शिया फीमेल्स हैं पाकिस्तान में, वुमेन्स हैं, वो तो बड़ी खुश हैं इस्लाम से। किसने के क्या आपको कह उनपे दिया है? आप आपको कैसे किसने बताओ कह खुश दिया? हैं? आपको तो गलत बात बताई गई है ना मेरी बहन, आपको कैसे पता आपको खुश गलत हैं? गाइडेंस आपको की। कैसे पता इमाम जी, आपको कैसे पता वो खुश हैं? अगर खुश होती तो औरतें सड़कों पे आके औरत मार्च ही निकाल रही होती। नहीं, जहां तक मेरी सर्च है, जहां तक मेरी जो कम्युनिकेशंस होती हैं, तो वो कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं इस्लाम से। मगर तो भाई ये आपने उनसे करना, बात करनी है आपने ना, इस्लाम, जो अच्छा मेरी औरतें बात सुनो ना प्लीज, जिनकी ब्रेन आपने वॉश हुआ इस्लाम है को उनसे भी लीव कर बात कर रहे दिया। हैं ना आप उनसे बात कर रहे हैं जिनकी ब्रेन वॉश हुई है, उनकी जो है वो पूरा उनको नहीं, इस्लाम ब्रेन के अंदर वॉशिंग घुसा नहीं दिया हुई गया है, है। ब्रेन वॉश नहीं हुआ बिल्कुल। वो माशाल्लाह अकल रखती हैं, शौर रखती हैं यार। ये जो नादियां अकल कैसे हैं, रख सकती है इमाम साहब? आपका इस्लाम मेरी कहता बात है तो औरत सुन की लेना अकल ही प्लीज। आधी है। नहीं, मेरी बात तो सुन लेना, आप बात सुनती नहीं है ना। ये हमारी जो है बहन है नादिया जो है, ये होस्टिंग भी करती है, ड्रामे में भी आती रही है। इनसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि इस्लाम के बारे में, उन्होंने कहते हैं ये तो बेस्टेस्ट ग्रेटेस्ट रिलीजन है, मैं यानी कि मेरा मजहब है, मैं तो इस पर प्राउड करती हूँ। ठीक है, वो जैसे मर्जी उनका लाइफ स्टाइल है, जो भी है, वट एवर, कोई मसला नहीं। मगर उन्होंने इस्लाम को लीव नहीं किया आपकी तरह। आपको अंदर से दुख होता होगा इंटरनली कि यार मैंने गलत स्टेप नहीं उठाया मुझे मैं कोई लीव। दुख नहीं है, ये आप मेरे लिए मत बोले ना। या मेरे मुझे तो लगता है कि आप आप जो है अंदर से आपका इस्लाम को छोड़ने का बड़ा दिल कर रहा है, मैं ये बोल नहीं रही हूँ। नहीं 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 लोग नहीं नहीं मानते नो हैं नो कि नो, नहीं, और आप क्यों एब्सोल्युटली नहीं नॉट, मानते? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं एग्जैक्टली, है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं मुझे बड़ा दुख है? मुझे कोई टके का दुख नहीं है कि मैंने ऐसी मिसाजिनिस रिलीजन को छोड़ दिया। जिन औरतों नहीं, को मिसाजिनी सुनो नो, पसंद है ऐसे वो नहीं, बैठी है उसके अंदर, उनकी ब्रेन नहीं नहीं वॉशिंग हुई है, ऐसी उनकी माँ ऐसी ऐसी गाड़ी के ऐसी कुछ किया तो अल्लाह मियाँ ऐसी को बात जन्नत नहीं है। जाएगा। आप अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जिस माइंड पर हैं, उस पर आपके पास रेफरेंसेस हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। कौन से माइंड पे क्या मतलब है इसका? किस माइंड का रेफरेंस चाहिए आपको? मुझे ये रेफरेंस चाहिए ना कि आप क्या कहते हैं कि ये जमीन आसमान कैसे बन गए। वो अलग टॉपिक है। आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि इस्लाम में औरतों को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दी है। पहले आप उसका तो जवाब देना, फिर मैं आपके जवाब दूंगी। पहले आप ये बताएं क्या फ्लेक्सिबिलिटी है औरतों को इस्लाम में? नहीं तो मेरा सवाल का किधर क्या जवाब देंगे आप कि ये जमीन नहीं आसमान आपने कैसे पहले बन गए? पहले यही आपने कैसे, सवाल वो देखो, तो पहले औरतों, मैंने सवाल किया मैं आपसे, औरत तो तो नहीं हूं ना, मैं तो मेल हूं, मुझे तो फीमेल्स फिर आपने बताती है ना कैसे मेरी बोल दिया बहन, इस्लाम? अगर इस्लाम आप में औरत नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने औरतों के लिए यहाँ पे बात आप करनी है? देखिए, मुझे आप नहीं ये लगता दिस इज आपका रॉन्ग। सही है। आप वहां की आप अजनबी बात सबसे सुनते अजनबी नहीं है ना। मैं आपकी बात तो अजस्ट सुन रही हूँ सुनता आपकी हूँ, आप बात, बात आप सुनते नहीं है। नहीं सुनते बात, आगे मत बढ़ाए बात को। आपने कहा इस्लाम औरत को फ्लेक्सिबिलिटी देता नहीं, है, आप अब नहीं जैसे आप सुनते हैं, बोलते ये गलत बात है ना। या आप पूरी बात कर लें, मैं आपकी बात सुनूंगा, या फिर मेरी बात पूरी कर लेते हैं प्लीज। देखिए, आपने एक या क्लेम किया है उसका जवाब देना। आपने क्लेम किया कि औरतों को फ्लेक्सिबिलिटी है इस्लाम में, तो मुझे बताएं कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी? आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए जलेबी बनाकर। आप एग्जांपल दें, अब आप कह रहे हैं आप औरत नहीं है, तो फिर आप औरत कैसे जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि नहीं दी है? हो, मुझे वोमेंस ने कहा है ना मेरी बहन कि इस्लाम में हमें पीस मिला है, हमें इस्लाम ने इज्जत दी है। मैं आपको औरतों की बात कर रहा हूँ। मैं औरतों के सेंटीमेंट से आपको कन्वे कर रहा हूँ ना मेरी बहन। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जमीन आसमान कैसे बन गया, आप इसका तो जवाब देना।
जमीन आसमान बन गया भाई, बन गया जिस तरह बनना था कैसे बन गए? बिग बैंग थ्योरी से बन गया। नहीं, क्योंकि इसका आप ये रोबोट की बात कर रहे इसका इसका हैं रेफरेंस जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हुई नहीं इसका आपके रेफरेंस रिलीजन, क्या है? आप कहाँ से दिखेगा ये चीज? दे आर इन इट, दे वोंट सी इट। तो आप कैसे बोल सकते हैं आप आप आसमान कैसे बना था, उधर बना? आप औरतों पे रहे ना, आपने कहा फ्लेक्सिबिलिटी दी है, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके? कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं वुमेन्स के सेंटीमेंट्स कन्वे कर रहा हूँ आपको। मुझे औरतों ने कि इस्लाम ने हमें इज्जत दी है। कौन सी वुमेन भाई, मैं तो औरतें देख रही हूँ ईरान वुमेन्स में, मैं आप वुमेन्स वो लेकर आऊंगा। कौन सी अब है? वो आप उनसे खुद ही बात कीजिएगा। देखें आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मेरी ये मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। मैं बहुत कम लेडी से बात करता हूं क्योंकि आप लाइव आके आप इस्लाम के अगेंस्ट बात करती हैं, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आता हूं कि दिस इज रॉन्ग। ऐसे ना किया करें प्लीज। आपको सिर्फ इस्लाम ही मिला है, आपको कोई और रिलीजन नहीं मिले हैं। क्रिश्चियंस हैं, ये हिंदूज हैं, मगर वो मुझे बात गालिब की अच्छी लगी है कि वो जहां भी गलत होगा तो हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। तो आप प्लीज काइंडली, आपसे गुजारिश है। क्रिश्चियनिटी से है ना, मेरा ताल्लुक हिंदुइज्म से है ना, मैं हिंदू थी ना मैं क्रिश्चियन थी, तो मैं क्यों उस पे बात करूं? उसके लिए बात करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, जैसे गालिब, हारिस और बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं उस पे बात करने के लिए, मुझे उस पे बात मैं करनी उनको है क्या? अप्रिशिएट करता हूँ, गालिब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि क्या उन्होंने ये बात बात? लास्ट टाइम की है, हाँ, उन्होंने ठीक है की भाई, कि आप यार मैं तो हर भाई गालिब को मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सब चीजों पे बात करता है, मगर मैंने सब चीजों का ठेका तो नहीं लगाया था ना, मैंने तो औरतों का ठेका लिया है। मैं तो इस्लाम भी नहीं बात मैंने करती, आप मैं तो हाँ औरतों पे बात ठीक करती है हूँ, मुझे भी इस्लाम आ जाता है, मैं क्या करूँ? क्योंकि आपका इस्लाम इजाजत नहीं देता औरतों को, राइट? मैं औरतों के हुकूक की बात करती हूँ, आप उसके बीच में इस्लाम ले नहीं आते नहीं हैं, आप फिर कहते हैं औरतों के इस्लाम हकों की गलत बात करें। आप प्लीज बात तो सुने ना, आप बात ही सुनते हैं ना। आप मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप प्लीज म्यूट रखिएगा काइंडली। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो औरतें हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें रिस्पेक्ट बहुत मिली इस्लाम में, ये झूठ है इस्लाम के ऊपर बोलते हैं ये लोग। अब ऐसी दूसरी बात मेरी पूरी सुनिएगा प्लीज, मेरी बात तो सुन लेना प्लीज। आप फिर आप बात बोलना शुरू कर देती हैं प्लीज कि अब मैं फीमेल से पाकिस्तानी जो जो हमारे इस एरिया में रहती हैं, तो उनको मैं कहूंगा कि आप काइंडली महलीत जी हैं, हमारी बहन है, उनके चैनल पर जाएं और उनको बताएं कि इस्लाम ने हमें इज्जत दी है। वो आपको खुद औरतें आपसे लड़कियां बात करेंगी तो फिर तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगी ना इंशाल्लाह, मुझे यकीन है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी बात नहीं, तो अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रही ना। आपका पॉइंट आ गया कि अगर वो औरतें यहाँ आना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, ठीक है कर लें, ठीक है, इस्लाम ने इज्जत दी आपने बोला भी। तो मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में औरत जब बाहर निकलती है तो उसको 10 हाथ क्यों लगते हैं, और जब मैं यहाँ आधी नंगी भी बाहर निकलती हूँ मुझे कोई हाथ नहीं लगाता है? इस्लाम ने तो इज्जत दी ना औरत को, तो आपके मुसलमान मर्द क्यों छोटी छोटी आपका बच्चियों को आपका हाँ अपने जी पूरे बिल्कुल मुंह ठीक। में हाथ लगाते हैं? मैं इस लिहाज से आपके साथ हूं कि ये गलत है, जो ये करते हैं वो गलत करते हैं। मैं आपकी तायद करूंगा, और कोई भी है, ये नहीं सिर्फ आप हैं, कोई भी मेरी बात सुनो यार। सारी इस्लामिक कंट्रीज में औरतों के कोई राइट्स नहीं है, औरतों को एक जानवर की तरह रखा जाता है, जानवर की तरह मारा जाता है। आप ये नो नो बात नो कर रहे नो हो, नो, कल एक इस्लाम में बच्ची ऐसे नहीं को है, इस्लाम में ऐसे नहीं है। आपने जिस जिन लोगों से लिसन टू मी प्लीज, आपने जिन 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 कल एक बंदी को कत्ल कर नहीं दिया वो एक गलत, बच्चे ने, इस्लाम ने मुकदम का किया था, मेरी बात तो सिर्फ कत्ल सुने। करने डाल दिया, और इमाद इस्लाम यहाँ पे बताने आए हैं और आप फ्लेक्सिबिलिटी औरतों को। ये बताएं, आप गुस्से में ना आए, आप गुस्से में ना आए, आप मुझे ये बताएं जो मैंने आपके माइंड के मुताबिक बात किया। अभी आप वुमेन्स को छोड़ें, अभी आप ये बताएं कि जमीन आसमान कैसे बने, इसका मुझे रेफरेंस चाहिए प्लीज, बस नहीं, दैट्स मैं इट। आपको क्यों जवाब दूं? आपने कहा इस्लाम ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है औरतों को, वाइब खान भी यहाँ जानना चाहती हैं ना कि जी भाई नहीं, कौन पहले आप जवाब सी दें ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी जमीन है, मुझे आसमान कैसे बन गए, नहीं पता चलता आप कहाँ से ये बने, अपना मुझे जमीन, सूरज नहीं पता कहाँ से बने, चांद मुझे नहीं पता, सितारे मुझे सैयारे बादल नहीं पता, पहाड़, मुझे ये नहीं कैसे पता, बन गए? मुझे नहीं पता, 7 दिन क्यों नहीं लगेंगे, पता? आपको अल्लाह पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। इमाद जी, प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग जलेबियां बनाते हैं, आपने बात बोली, मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगी। इस्लाम ने कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी दी है औरत पे बात करें? मैं यहाँ साइंस पे बात करने के लिए नहीं बैठी, मैं यहाँ औरतों पे बात करने के लिए बैठी,
आपने कहा बहुत बहुत फ्लेक्सिबिलिटी औरतें आपको, आएंगी तो ऐसे मैंने बात कहा करेंगी ना यार, ये कैसी मैंने बात है? कहा आप आपको वुमेन्स, क्लास आपके चैनल पर आएंगे वो बात दे रही कि मैं औरत हो रही हूँ? आप जाए साइंस की बात करें वालिद से, हारिस से, मेरे से नहीं करें, ठीक है? मैं इस वजह से छोड़ा नहीं, मैंने इस्लाम के साइंस देख ली थी, मैंने ये देखा मेरी माँ पे जुल्म हुआ, मेरी माँ ने छोड़ा और फिर मैंने छोड़ा, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि औरत की पिटाई भी है तो औरत चार शादी भी नहीं कर सकती, औरत का दिमाग कोई भी जुल्म आता नहीं चाहे है, गाली कोई खाती जुल्म थी, नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या ये बोहतान लगा रहे हैं आप। कॉन्टेक्स्ट? मैं आपके आपके साथ मसला पता क्या, मैं आपसे, मैं अपने मेरी काइंडली प्लीज बात सुन लें काइंडली। सुनिए मेरे मसले आकर यहाँ मत बताइए मुझको, आपके अंदर मसला ये है कि आपको सुनने की आदत है नहीं, आप बनाते हो जलेबी, आपने आके औरतों पे बात की, ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार वो सवाल, औरतों को इस्लाम ने कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी दी है? अब आप पहुंच रहे हो आसमान कैसे बना दिया, चांद कैसे बना दिए, तारे कैसे बना दिए, आप गालिब पे वो है, डोंट गो इन टू सो मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस, फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा, जब एक पॉइंट आपने यहाँ पे आके बोला है वो पॉइंट पे मैं पूछ रही हूँ आपसे बार बार बात, आप कह रहे हैं ओ वो उस औरत ने मुझे बताया तो मैं उस औरत को भेजूंगा, तो फिर आप उस औरत को भेजते ना, आप फिर क्यों आए यहाँ पर, पहले उस औरत को भेजते, इस आपने कोई राइट नहीं दिया, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, इसी वजह से आप एक एग्जाम्पल नहीं दे सक रहे हो, कौन सी दोबारा से मैं आपको ऊपर ले लूं, इस्लाम ने, सुन लीजिए सवाल, इस्लाम ने औरत को क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एक एग्जाम्पल दे दें मुझे प्लीज जी, अब बताइए। देखें ये तो आपने, मैं अपनी बात करूंगा, आप गुस्से में ना आए प्लीज, और आप जज्बात में ना आए काइंडली। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मैं गुस्से में आ रही हूं, आप गुस्से में तो आएंगे नहीं ना, क्योंकि आप लोगों का खून नहीं खौलता ना, एक लड़की की जान चली जाती है, यू डोंट केयर, चलो क्या हुआ, एक और मर गई, कमीनी, सही से हिजाब नहीं ले रही थी, हमारे मुसलमान, हमारे इस्लाम को बदनाम कर रही थी, अच्छा हुआ मार दिया, आपको नहीं तकलीफ होती ना, मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है, ये है वो बंदी जिसका कल कत्ल कर दिया इस्लाम के नाम पे, किसके नाम पे, इस्लाम के नाम पे, ठीक है? तो आपका दिल नहीं दुखता, मेरा दुखता है, अब मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आता है उस चीज पे, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आता, आप कहते हैं भाई बड़े राइट्स ही हैं, क्या राइट्स ही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बताइए आप कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है, थैंक यू। मैं आपसे गुजारिश तो कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनते ना, आप मेरी प्लीज पूरी बात सुनेंगे फिर आप किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये ऐसे काम किए हैं वो इस्लाम का उनका लेना देना नहीं है मेरी बहन, आपको गलत गाइड किया गया है, आप इस्लाम के अगेंस्ट ना चले एक बात कहिए करें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये आपसे गुजारिश की अच्छा थी, तो इसमें पाकिस्तान इस्लाम में आप कह को रहे हैं इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे, फर्स्ट। पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान में बैठे लोग इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे नहीं ना कर मेरी रहे? कहाँ बहन, अगर कर रहे ये चीज ना होती फॉलो आज कर तक रहे ये इस्लाम, नौयत ना होती, अरे कहाँ फॉलो कर रहे ठीक हैं है? इस्लाम, ईरान में कर रहे हैं इस्लाम फॉलो या नहीं? मैं अपनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और मैं अपने शेख साहब की एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वो अल्लाह के फजल से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, मगर आप ऐरा गैरे को ही आपने इस्लाम के साथ जोड़ दिया, दिस इज ये आप बदयंती कर रही है, वेरी सॉरी, बहुत ज्यादा आपने यानी कि खयानत की है ना, कि ईरान आप में जो इन लोग लोगों को प्रोटेस्ट हमारे कर साथ रहे हैं वो प्रूफ सारे किया। मुसलमान ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू इमाद अल इस्लाम ये मुसलमान ही नहीं है सारे, कोई भी मुसलमान नहीं है, इस तरह से वो रियल पाकिस्तान मुसलमान नहीं, नहीं ये बड़ी अच्छी बात है, जिसने गलत काम किया वो इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहा है, है ये ना बात हुई, यार, ये जो हो रहा है ये कौन है, ये मुसलमान नहीं है, ये क्रिश्चियन है, ये औरतें क्रिश्चियन औरत है, ये बताइए मुझको ये कौन सी औरत है, क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन औरत है, डोंट नो ये क्या मामला है, बट मैंने आपको बता दिया इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है, इस्लाम में पीस है, तो आप बात तो सुने नहीं। सेकंड, नहीं मैं बात नहीं सुनूंगी, पहले मैं आपको बता दूं ना, आपको मामला ही नहीं पता, आप आके यहाँ बकवास कर रहे हैं यार, सुन लो मेरी बात फिर, ठीक है? ईरान में, ठीक है, ये एक लड़की है जिसका नाम है मासा, ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा, मासा अमीनी, ठीक है, इसको क्योंकि ईरान में इस्लाम फॉलो करता वगैरह जाता है, इस्लामिक रिजीम है, इस्लामिक रिजीम जो आपसे कहती है आपने हिजाब जबरदस्ती लेना है, ठीक है, तो उस बंदी का हिजाब सही से नहीं पहना हुआ था उसने, उसको इनकी पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई, उस लड़की को उसको टॉर्चर किया,
उसको आधा ब्रेन डेड कर दिया, वो लड़की मर गई। उसके बाद सारी ईरान की औरतें और मर्द अब आ गए हैं सड़कों पे। फिर एक और लड़की थी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो भी 22 साल की थी, उसको भी मार दिया गोली करके, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को भी मार रहे हैं, 10 साल की एक लड़की है उसको भी मार दिया। तो ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी रिलीजन फॉलो करते हैं, ये मुझे ये बता दें इमाद साहब। अब आपको मैंने बता दिया ना क्या हो रहा है, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट थोड़ी होगा। एक दो औरतें मर जाती हैं, who cares? वो खराब औरतें थी, दो नंबर की औरतें थी, मरना ही ठीक था उनके लिए, है ना। तो ये बता दें कौन सी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं ईरान में लोग। मैंने आपको कोई मिस आपसे मिस बिहेव नहीं किया, आपने अभी गलत बात सुनिए। जब आपको एक औरत के मरने पे, तीन चार औरतों के कत्ल होने पे कोई आपको दुख नहीं होता ना, तो मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की है, मगर मुझे गुस्सा आता है। फिर मुझे गुस्सा आता है क्योंकि आप जैसे मर्दों के नजर में हम जैसी औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम मर जाएं, आप चाहते हो हम मर जाएं, आप चाहते हो आपको किसी की जान जाती है, तो फिर आपका इस्लाम आपको ये सिखाता है कि इंसान की जान जा रही हो और आप वहां बैठ के कह रहे हैं कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रही हूँ। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपसे, मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि पूरी दुनिया को पता है ईरान में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता ईरान में क्या हो रहा है। ये मासूम नन्हे का के बच्चे बन के आए हैं यहाँ पर आप, ये क्या बात हुई है। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया बोल रही है इसमें, आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है इस्लाम ईरान में और कौन कर रहा है। ये तो झूठी बात होगी ना, आप भाग रहे हो इस चीज से। आप मानो कि ये इस्लाम कर रहा है, ये इस्लामिक रिजीम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आप आगे मत बढ़े, बताएं मुझे ईरान में कौन कर रहा है ये। आप मुझे बताएं ईरान में कौन सी रिलीजन फॉलो करी जाती है। नहीं नहीं, जब आप सवाल पूछे जवाब दीजिए। जो है मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, प्लीज सुने मेरी बात सुने। जिन्होंने ये ऐसे किया है, मैं इनकी तरदीद करता हूँ, ये गलत है। पहली बात, दूसरी बात ये कि मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि जमीन आसमान कैसे बने, आप उस पर जवाब नहीं देते हैं, आप भाग जाते हैं। मैं साइंटिस्ट हूं ही नहीं, मुझे नहीं पता जमीन आसमान कैसे बने। आपके बकौल अल्लाह मियां ने 7 दिन में बना दिए, 6 दिन में बना दिए थे, वो आप मान लिया 6 दिन में बना दिए। लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। आपने कहा ये गलत की मैं इनकी तरजीह करता हूँ, मगर वो तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं फिर आप। नहीं नहीं, मैंने पूरी बात सुनते नहीं है ना आप लोग, ये आपकी मिस्टेक है। मैंने ये कहा है कि जो ये काम करेगा ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, बिकॉज इस्लाम में ये सख्ती नहीं है। इस्लाम में ये ऐसी ऐसी जो है ना औरत के राइट्स हैं। आप उस तरफ बात को नेगेटिव ले जाते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, कौन से राइट्स हैं, कोई राइट्स नहीं है, ये आपका झूठ अब नहीं चलेगा। बने आपको पता ही कोई नहीं, आपका झूठ नहीं, नहीं सब पता है हमको, यही तो बात है। ये बार बार ही बोल देना आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है। रेफरेंस देने के लिए आप रेफरेंस की बात क्यों मानूं, क्या रेफरेंस दूं आपको, 434 क्या आपके एलिगेशन इन्हीं मौलवी की तरह है। ये जो मौलवी लोग हैं ना, जो बात नहीं कर सकते, आप भी ऐसे ही हैं। इट मीन आई थिंक फिर आप भी ऐसे लोग हैं कि आप बात नहीं कर सकते हैं, तो आप रेफरेंसेस के साथ बात करें यार, अगर आपके पास रेफरेंस है। मैंने तो मैं गारंटी देती हूँ, मुझसे $100 ले लेना कोई भी, मैं गारंटी देती हूँ मैं रेफरेंसेस दिखाऊंगी और ये जलेबी बनाएंगे उस पे। चले आगे चलते हैं, हम रेफरेंसेस दिखाते हैं अब आपको, ठीक है बैठे। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कुरान की आयत 434 से सूरह निसा, ठीक है। अब सुन लेना, नहीं, आप अपने रेफरेंस के साथ बात करें ना, जो आपका माइंड है। दिस इज रॉन्ग, ये व्हाट द हेल इज दिस, आई डू यू हैव अ ब्रेन, मुझे तो लगता है आपका आधा दिमाग है। डू यू हैव अ ब्रेन, अभी आपने मुझसे कहा रेफरेंस दिखा के बात करो, फिर कह रही है मैं अपना रेफरेंस, कहां से मैं अपना रेफरेंस, क्या मतलब है आपका। मैं तो इस्लाम से रेफरेंस दिखा रही हूं ना, बात यहां इस्लाम की हो रही है, औरत के राइट की हो रही है,
कहाँ भाग रहे हो माँ जी, मुझे तो वाकई में लग रहा है जिसने, मगर जो ये बात लिख देगा ना कि औरत का दिमाग आता है तो उसका दिमाग कितना होगा। आप अब रेफरेंस देखिए, ये रेफरेंस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुरान की आयत है। इमाद अल इस्लाम कह रहे हैं कुरान ने, इस्लाम ने सारे राइट दिए औरत को, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। देखिए आप तो कुरान को मानती नहीं यार, ये गलत बात कर रहे हैं आप अपने माइंड के मुताबिक रेफरेंस दें। आपका माइंड क्लियर नहीं है ना मेरे, आपका माइंड आता है ना, मानते मानते ना। नहीं नहीं रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने आप माइंड के, चलो ठीक है सॉरी, आपसे बात नहीं हो सकती है क्योंकि आप जलेबी बना रहे हो, टू बी ऑनेस्ट आपकी बात मुझे इस वाकई में समझ में नहीं आ रही। आप रेफरेंस दो, मैं रेफरेंस दिखा रही हूँ, फिर कह रहे हैं मैं मानता नहीं हूँ कुरान को, नहीं मानती आप, ये क्या बात हो गई? कुरान को मैं नहीं मानती, आप तो मानते हो ना, तो मैं आपसे ही तो सवाल पूछ रही हूँ कि भाई आप कैसे मानते हो कि एक औरत की पिटाई ठीक है, आप कैसे मानते हो एक औरत का दिमाग आधा है? आपसे पूछ रही हूँ ना मैं सवाल, आप कह रहे हो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है औरत को, ये क्या बात हो रही है? Like I seriously don't understand how to have a conversation with you. There is no conversation. There cannot be any conversation with you. If this is how you're going to converse with people, there is no conversation with you. And it just gets me frustrated because you're not getting to the freaking point. The point is, आपने कहा आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? मैंने बताया क्यों छोड़ा? और मैं उसके references दे रही हूँ आपको। अब आप कह रहे हैं आप कुरान को मानती नहीं हो, आप तो मानते हैं ना, तो जवाब देना। बीवी की पिटाई क्यों लिखी है कुरान में? क्यों लिख दी कुरान में बीवी की पिटाई? नहीं है, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं ऐसे नहीं है मेरी बहन। किस कॉन्टेक्स्ट में है? चले आप बताइए बीवी की पिटाई किस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, बताइए। यार कमाल बात करते हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ जमीन आसमान कैसे बने, आप अपने माइंड के मुताबिक। मुझे जमीन आसमान से नहीं, पर आई डोंट गिव अ शिट अबाउट जमीन आसमान क्या है, मुझे नहीं, मैं औरतों पे बात कर रही हूँ, उस पे बात करनी है आपने तो आप बात कीजिए। आपसे मैंने सवाल किया है, कॉन्टेक्स्ट आपने कहा ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं है औरत की पिटाई, आगे चलते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बता दें। औरत जो है औरत की रिस्पेक्ट है, मेरी बात आप सुनिएगा प्लीज, अब एकदम कोई आपने कोई इंटरप्ट नहीं करना काइंडली। औरत की रिस्पेक्ट है, हाँ वो किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है, हिंदू हो ईसाई हो कोई भी हो, इस्लाम में तो है ही रिस्पेक्ट है ऑलरेडी। आप प्लीज किसी भी रिलीजन में औरत की रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है आगे बढ़े। मैं तो करता हूँ, मैं तो सब वुमेन्स की इज्जत करता हूँ, आपकी भी इज्जत करता हूँ, मगर आपने आपको गलत गाइड किया गया है, जिन मौलवियों ने आपको बताया ऐसा इस्लाम नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमारे अली भाई हैं, कि औरत की पिटाई किस कॉन्टेक्स्ट में सही है, आगे मत बढ़िएगा इसी पर खड़े रहिए। पिटाई तो है ही नहीं है, किसने आपकी पिटाई कर दी, आपकी पिटाई हुई है? अच्छा तो जबर हुन्ना का मतलब क्या है प्लीज, अरबी तो आती होगी आपको। हाँ मेरी पिटाई हुई है, आप बताएं। मेरी पिटाई हुई है, मुसलमान ने की थी, क्योंकि आपके कुरान में लिखा है। बीस ने की आपकी पिटाई, कौन से बंदे ने की आपकी पिटाई? भाई साहब आप क्वेश्चन से इधर उधर मत भागे, आप बताएं कि पिटाई किस कॉन्टेक्स्ट में है। मुझे मैंने आपको वर्ड भी बता दिया, वो देख रहे हैं आप। लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है, गाइस ये रही जिस चीज के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, सबर करें मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी आयत की मैं बात कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले फुल कॉन्टेक्स्ट क्या है और इमाद उल इस्लाम कौन सी जलेबी बनाने वाले, ठीक है। तो ये देख लीजिए, Men are supporters of wife because God has given them an advantage over others and because they spend their wealth. So the ones who are in accord with morality are the ones who are moral obligated, the ones who guard the unseen of what God has kept them safe. But those who resist you fear, but those whose resistance you fear, then admonish them and abandon them in their sleeping place. Then go away from them and if they Obey you, you surely. ये वाली नहीं है, ये तो इन लोगों ने दूसरी वो की, मैं आपको दूसरी वाली दिखाती हूँ जिसमें ये अब इन लोगों ने चेंज कर रही है, इसी वजह से चेंज किया है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पिटाई लिखी हुई थी, राइट। सो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड कहाँ गई यार वो मेरा जो मैंने सेव की वो खुल नहीं रहा है, हैंग ऑन मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
और ये जो है ना आगे से जलेबी बनाएंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लिखी भी नहीं है। आपको मैं उर्दू में पढ़ के सॉरी अरबिक में पढ़ के बताती हूँ कि जबर हुन्ना का मतलब क्या है। इमादुल इस्लाम जी, जबर हुन्ना का मतलब क्या है आपको क्या लगता है? क्या आप बताएं यार, मैं आपको अच्छा मैं बताता हूँ, एक मेरी बात सुने काइंडली। ऐसे है कि मैं आपसे रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको क्लियर कर दी अपनी सारी बात। मैं तमाम मजाहिब की वुमेन्स की इज्जत करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लिसन प्लीज, और आपकी भी इज्जत करता हूँ, मगर आप अपने अकीदे पर क्लियर नहीं है। आप कहानी करा रहे हैं हमें, जैसे मौलवी कहानी कराते हैं, आप भी, आप लोग भी एथियस्ट कहानियां कराते हैं। आपके पास मौलवियों के साथ आप बैठे हैं, तस्वीरें मौलवियों के साथ आपने लगाई नहीं है, मुझे बोल रहे हैं मौलवियों के साथ ही करते हैं। यार कुछ तो देख के बात किया करें। वो उदित मौलवी, ही इज अ इंजीनियर, ही इज अ इंजीनियर, यू नो बात ये, नो, मेरी बहन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। He was an engineer. He makes his money by spreading false things of Islam. He was an engineer. अब नहीं है वो engineer. ठीक है? तो ये देख लीजिए यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो अपने, आप अपने एक मिनट आप अपने माइंड का रेफरेंस ना आप नहीं बोलोगे, मैं जरा लोगों को बता दूं कि ये क्या आ रहा है, वर्ड कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं ये जबर हुन्ना का जो वर्ड है, यू कैन सी इट राइट हियर। सबर करें, मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। हाँ, तो ये अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है अल मुजाज व जबर हुन्ना। ये जबर हुन्ना का जो वर्ड है ये दूसरी आयतों में यूज हुआ है, जहां जहां लिखा गया है कि आप उनकी नेक पे स्ट्राइक करो। मैं दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड, और इसका मतलब नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप जान के उधर लेके जा रही हैं बात, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं नुमाइंदा हूँ इस्लाम का, आप तो नहीं है ना, आप तो नहीं है इस्लाम की नुमाइंदा। माँ जी आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, आपको एक जबर हुन्ना अरबिक का मतलब नहीं पता, आप मौलवी बन के बैठे हैं। आप बताएं जबर हुन्ना का मतलब क्या है? वज़रिब हुन्ना क्या क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि पिटाई हो, अल्लाह माफ करे, इसका ये मतलब नहीं है जो आप ले रहे हैं। मेरी बात सुने प्लीज, नहीं मेरी बात तो सुने ना, मैं नहीं सुनूंगी, आप मुझे इसका मतलब बताइए। आप सुनेंगे, आपने लीव कर देना है मुझे। मैं नहीं लीव करती, मैं नहीं जा रही, आप ही भागोगे यहाँ से, मैं नहीं भागूंगी, मैं ही बैठी हूँ। जबर हुन्ना का मतलब बताए, आगे पीछे इधर उधर की बात नहीं करे, जबर हुन्ना का मतलब क्या है प्लीज? आपको आपको क्या इससे ये बताएं, इसको आप एक तरफ रखें, आपको कुरान मजीद से, यार आपको तो, आप तो इस्लाम में है ही नहीं, आपको तो फिर आपको इस्लाम से क्या है? आपके दिल में दर्द है, आपने ये छोड़ दिया है, आपने इस्लाम छोड़ दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब मैं सब रोना बोल रही हूँ तो आप जलेबी बना रहे हो, आप भाग रहे हो, मौलवी साहब आप हो यार, माधव जी आप आया करें, क्योंकि आप जैसे लोगों को देखकर ना और भी लोग इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और लोग कहते हैं कि जवाब क्यों नहीं देते मौलवी साहब, ये जलेबियां क्यों? आपकी वजह से लोग मुस्लिम हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं है, आपकी आपकी वजह से लोग मुस्लिम हो रहे हैं, मगर आप अपने माइंड पर कोई रेफरेंस ही नहीं दे रहे, आपको ये नहीं पता कि जमीन आसमान कैसे बने हैं। ओ माय गॉड, आसमान की बात नहीं हो रही, मैं जमीन आसमान की बात ही नहीं करने बैठी हूँ, आपसे एक सवाल पूछा है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है इसका क्या? इमादुल इस्लाम जी बोलते हैं आपके पास जवाब नहीं है, बिल्कुल जवाब है मेरे पास, बिल्कुल जवाब है, मगर आप मेरे पास जवाब नहीं है, सुन लो एवरीबॉडी, मुझे नहीं पता चांद तारे कैसे बने, आसमान कैसे बने, मैं बोल रही हूँ मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक है? क्या इमादुल इस्लाम के पास जवाब नहीं है कि जबर हुन्ना का मतलब क्या है, बता दें? The damage, ठीक है, the damage has been done. आपको नहीं पता तो बात खत्म, आप फिर फेक कर रही हैं, सॉरी टू से, आप इस्लाम के अगेंस्ट आप कुछ चाह रहे हैं, आप गलत चाह रहे हैं, बात झूठ मत बोलिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक और आयत है जिसमें ये यूज किया गया है जबर हुन्ना का, ठीक है ना, और इसमें जर्ब लगाओ,
जर्ब मुन्ना, जर्ब का मतलब होता है तो इसके सर मार कर उड़ा दो, ठीक है। ये कौन सी सूरा है, सूरा सूरा अल अनफाल आयत नंबर 12 पारा नंबर 9, ठीक है। इसमें जाके आप देख सकते हैं ये जबर का जो वर्ड है ये एक जगह पे यूज नहीं हुआ गया है, ये काफी जगहों पे यूज हुआ गया है। दूसरी सूरह निसा में भी यही आता है जबर, ठीक है। जहां जहां जबर का वर्ड यूज हुआ है कुरान में उसमें मारम कुटाई का ही लिखा गया है। तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर आपने क्या गुंगी मारी थी, कि ये वो जबर मतलब टू हिट, ओके। नो हिट नहीं है, हिट नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात सुने प्लीज। देखें आपको तो है, आप तो पहली बात है कि आप इस मुस्लिम तो है नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सही हदीस जो होती है ये याद रखिएगा, आप भी औरों से भी डिबेट्स करेंगे मुस्लिम से, आई नो आपकी जो लग रहा है मिजाज से, मेरी बात सुने ना काइंडली मेरी बहन। आप हदीसों में मत जाएं, मैंने आयत खोली आपके सामने, डोंट लोगों को गुमराह मत करें। आपको नहीं पता ये हदीस और आयत क्या होती है, ये तो अब तफसीर तफसीर भी यार, ये कि आप ये गलत करते हैं ना, मेरी बात नहीं सुनते आप। सही हदीस जो होती है ये बात याद रखिएगा काइंडली कि वो कुरान की एक्सप्लेनेशन करती है सही हदीस, ठीक है। आप अपनी तरह से आपने तुक्का लगा दिया, और आपको आप अपने इस तुक्के पर फेल हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और आप इधर आप ये कहानी करा रहे हैं। बात ये है, बात ये है, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, आप ऐसे आप बात करेंगे फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, काइंडली मेरी बात सुने। आप भाई साहब मत करें आप बात, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये धमकियां नहीं मुझको देना, मैं बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। इतनी देर से मैं तुम मेरे पास फ्री का टाइम है जो मैं इतनी देर से अपना दिमाग आपके साथ लगाऊं, भाई मेरा दिमाग पूरा है, आप उसका आधा कर देते हो। आपके पास जवाब एक टके का नहीं है, आपसे मैंने जबर हुन्ना का बोला तो आपको यही नहीं पता कि आयत खोल के रखी हुई है, आप ले गए सही हदीस है वो हदीस है। अब आप बैठे नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या क्या बोला है, और इस्लाम ने क्या क्या औरतों के राइट्स दिए हैं, ठीक है ना। स्पेशल डिस्काउंट भी दिया है अल्लाह मियां ने, यू नो, सिर्फ सिर्फ रसूल के लिए। अब आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आपने बोला है ना आपके चट्टा खोल के रखूंगी मैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है, ये यही आ जाते हैं यहाँ पर चिक चिक करने के लिए, जवाब एक होता नहीं है इनके पास, आपने ये कर दिया आपने वो कर दिया, और आप गुस्सा भी मत हो उस पे। ओ भाई मेरा दिमाग फ्री का नहीं है, अपने चैनल पे जाओ ये चिक चिक करो, मैं आपके चैनल पे क्यों आऊंगी। अच्छा ये देख लीजिए अल अजाब, ये है अल अजाब की है, यहाँ पर अगर दिख रहा हो आप लोगों को, आई होप कि यू गाइस कैन सी इट, लेट मी सी, हाँ। सो इसमें लौंडियों का जिक्र आया जो अल्लाह मियां ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी लौंडियां, ओके, लौंडियां फ्री इनके लिए आती हैं। रसूल को तो पता कितनी शादियों की इजाजत थी, डिस्काउंट था उनको फ्री में, क्या आप लौंडियां भी रखो तो ये भी रखो तो वो भी रखो, सारी रख लो। अच्छा इसमें लिखा हुआ है वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू ओ प्रॉफिट वाइव्स टू हूम यू हैव गिवन देयर ड्राउर एंड गॉड गिवन मेड्स एंड कैप्टिव्स यू हैव मैरिड एंड द डॉटर्स ऑफ योर फादर्स ब्रदर्स एंड डॉटर्स ऑफ योर फादर्स सिस्टर्स एंड डॉटर्स ऑफ योर मदर्स ब्रदर्स सिस्टर्स, यानी आपकी भाई लाइक जितनी भी औरतें हैं सबसे आप कर सकते हैं, किसी की भी बच्ची हो, यहाँ तक के आपके अडॉप्टेड सन की भी बीवी हो ना उससे भी आप शादी कर लो। उसके ऊपर राल टपक पड़ी थी तो इन लोगों ने अडॉप्शन ही खत्म कर दी, ये ऐसा मजहब है। और आके आप बोल रहे हैं कि इस्लाम ने पूरे राइट्स दिए हैं, यार क्या बात करते हो, इस्लाम ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, फिर मुझे गुस्सा भी नहीं आए, इनको पता ही नहीं ईरान में हो क्या रहा है, ये सो रहे हैं सत्ता पी के, पता नहीं कौन सा नशा करके सो रहे हैं। प्लीज डोंट कम हियर एंड टॉक बुलशिट, मेरे पास टाइम नहीं है बुलशिट पे आप पे बात करूं। आपका इस्लाम धोखा है, आप झूठे हो, आप खुद थाली के बैंगन हो, कभी आप लुढ़क जाते हो तारिक मसूद की तरफ, कभी आप इंजीनियर की तरफ, ठीक है ना, आप ये क्लाउड लेने आते हो यहाँ पर, आपको पूछता कोई नहीं है, आपका चैनल उड़ गया है, अभी आपको चैनल पे आपको चाहिए व्यूज, आप इस वजह से यहाँ पे आते हो, मैं आपके चैनल पे क्यों आऊंगी। आपसे बात हो रही औरतों पे, आप पहुंच गए आसमान और तारों पे, इसी वजह से आपको कोई बात नहीं करता, ना आले मुंह लगाता ना हारिस मुंह लगाता, क्योंकि आप जलेबी बनाते हो भाई, इस वजह से। अब आके अपनी बेइज्जती करा के निकल गए आप यहाँ से, जवाब आपने टके का नहीं दिया। आज तक एक मुसलमान मुझे बता दो जिसने आके सही से जवाब दिया होगा। आप लोगों की वजह से मेरी शुगर ब्लड प्रेशर सब कुछ बढ़ गया है। आप लोगों ने आज तक एक मुसलमान ने
कभी कुछ नहीं बोला होगा। और ये देखो जबर हुन्ना, इट मींस जाके आप जबर हुन्ना का मतलब निकाल लो, ठीक है। अरबिक में, अरबिक में मैं सर्च करती हूँ जबर का मतलब क्या होता है, ताकि, और वो नहीं है, ये वो नहीं है कि इनके सामने हम खोल के दिखा देंगे तो ये मान लेंगे, नो 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 नो, दे आर नॉट, वो मानेंगे भी नहीं, वो उसका भी वो बनाएंगे कि नहीं यू नहीं है वो नहीं है। अच्छा तो फिर दूसरी आयतों में, दूसरे हदीसों में जबर का ये जो यूज कर रहे हैं आप कॉन्टेक्स्ट, वो कैसे, वाह जी वाह, देखो जरा हाउ मैच्योर। वो तो इमाम जी, वो तो लोग फैसला कर ही गए कि किसका दिमाग आधा है, कौन लूजर है यहाँ पर, ठीक है ना। जबर हुन्ना लौंडी, उफ उफ लौंडी, मोहम्मद की लौंडी, अल्लाह मियां ने दी लौंडी, आए मैं सच्चे जाऊं, फिर दिए चार बीवियां, फिर चार बीवियों से तलाक करने के लिए हलाला, फिर मुत्ता, फिर हिजाब, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है इस्लाम ने, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है इस्लाम ने। मान लीजिए अपने लिए इनका खून, हाँ अभी मुझे खाना जाकर, आई हैव टू गो एंड मेक मोर ब्लड, जो इन्होंने मेरा सक करके गए हैं, ये है इस्लाम आपका, ये है इस्लाम, और वो मैं आपका बैठे बैठा अच्छी खासी बंदी का खून चूसने आ जाते हैं यहाँ पर, ये वो नहीं होती लीचेस की तरह चिपक के जो खून चूसते हैं ना, ये वही है। He is the worst, perhaps a disgrace. नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है। अब मोमिनों से मैं ये बोलूंगी, मुसलमानों देखो आप लोगों के ये जो मर्द हजरात हैं ना, मौलवी जो आते हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं? और ये मुसलमान पूछ रहे हैं इनसे, जब साहिल भी गया था न्यूज नेशन पे, जब और सब लोग न्यूज नेशन पे जा रहे हैं, तो हम जब उनके कॉमेंट्स नीचे देखते हैं ना, तो यही कहते हैं मौलाना साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे, वाई इज इट आंसरिंग, गुस्सा ना करें, नहीं मुझे गुस्सा आएगा क्यों नहीं आएगा, गुस्सा मुझे गुस्सा आएगा क्यों नहीं आएगा, भाई तुम वहां बैठ के बकवास कर रहे हो कि औरतें मर गई तो क्या हुआ, औरतें मर गई तो क्या हुआ, तुम भी मर जाना, कल तुम्हारा भी कोई गला काट देगा तो मैं बैठ के कहूंगा मैं उसकी मुजम्मत करता हूँ, आपकी मुजम्मत से कौन, हु आर यू इमाजी, मैंने आपसे कहा था मुझे तारिक वो जो है इंजीनियर मिर्जा से बात करवाए, वो शायद फिर भी जो है बात कर रहे हैं, आपके अंदर तबड़नी है, आपके अंदर कुछ तबड़नी है डिबेट करने। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।